गुना में मध्य प्रदेश दलित किसान परिवार पर पुलिस बर्बरता के विरोध में खातेगांव कांग्रेस पार्टी के द्वारा मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम अनुभाग अधिकारी संतोष तिवारी को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें, गुना में दलित किसान परिवार पर पुलिस बर्बरता के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने भाजपा की प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए लामबंद हुई। पूर्व विधायक कैलाश कुंडल ने जानकारी देते हुए कहा, प्रदेश के शर्मनाक कांड को पुलिस जवानों ने अंजाम दिया है, वह मध्य प्रदेश सरकार की छवि पर एक बदनुमा दाग है। निहत्थे किसान परिवार पर 20 जवानों द्वारा परिवार की महिलाओं व बच्चों के साथ इस प्रकार लाठियों से प्रहार किया, क्या ऐसा व्यवहार किसी रसूखदार व्यक्ति के खिलाफ करने की हिम्मत भाजपा सरकार में है? संपूर्ण प्रदेश में हजारों लोग जगह जगह अतिक्रमण कर रहे हैं, यह तो अतिक्रमणकर्ता ने जमीन दूसरे को खोट पर देकर जुताई करी है। खातेगांव कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश सरकार से अनुरोध किया है कि उन सभी पुलिस वालों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए जिसने अतिक्रमण कर जमीन दूसरे पीड़ित परिवार को जुताई पर दी, उस पर भी कानूनी कार्रवाई की जाए। जिस किसान पर प्रकरण दर्ज हुआ है उसे भी वापस लिया जाए। इस अवसर पर ज्ञापन देते समय खातेगांव ब्लॉक अजनास ब्लॉक के अनेकों कार्यकर्ता मौजूद थे। देखिए, ये किसान गुना के अंदर एक दलित किसान परिवार पर जो पुलिस द्वारा बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया गया, उसकी सारी फसल चौपट कर दी गई, उसका हक था उस फसल पर उससे वंचित किया गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस जन इस बात का पूरी तरह विरोध करते हैं, क्योंकि पूरे देश में प्रदेश में हजारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है, लेकिन एक दलित परिवार के व्यक्ति को ही और जिस तरह से महिलाओं को बच्चों को मारा गया है वो बेहद शर्मनाक है और हम उस सब का विरोध करते हैं। हमारी इसमें मुख्य मांग यही है कि जिन पुलिस वालों ने उन बच्चों के साथ महिलाओं के साथ मारपीट की उनके खिलाफ भी आपराधिक प्रकरण दर्ज हो, तथा वो पीड़ित किसान जिस पर आपराधिक प्रकरण पुलिस ने दर्ज किया है वो प्रकरण वापस हो, शासन उसको उचित मदद करे। और ये एक ही घटना नहीं है, इसके साथ छतरपुर में भी एक इसी तरह की घटना घटी है, उसके भी हम मांग करते हैं कि उसके खिलाफ उन लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। अतिक्रमण कराने के पक्ष में हम भी नहीं हैं, लेकिन अतिक्रमण हटाने का एक तरीका होता है, अतिक्रमण हटाने के पहले सूचना दी जाना चाहिए। और जिस तरीके से ये प्रदेश की भाजपा सरकार, शिवराज सिंह की सरकार, गरीबों को, दलितों को, किसानों पर लाठीचार्ज कर रही है, अत्याचार कर रही है, हम खातेगांव विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसजन उस कृत्य की घोर निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि हमारी मांगों पर शासन विचार करके मुख्यमंत्री निर्णय करेंगे। भारत सरकार के कृषि मंडियों के संबंधों में लाए गए नए अध्यादेश के खिलाफ जमकर विरोध शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश सरकार के नए मॉडल एक्ट के लागू होने से प्रदेश में काम करने वाले लाखों हम्माल तुलावटी मजदूर बेरोजगार हो गए हैं, साथ ही किसानों का भी शोषण होगा। वहीं मंडी बोर्ड व समिति के कर्मचारियों की वेतन से लेकर पेंशन के भुगतान भी नहीं हो पाएंगे और इस अध्यादेश के चलते किसानों से जुड़ा यह विभाग खत्म होने की कगार पर पहुंच जाएगा। इसी के चलते खातेगांव मंडी तुलावटी संघ मजदूर संघ विगत 17 दिनों से धरना देकर बैठा हुआ है। प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन मंडी तुलावटी संघ ने अनुभाग अधिकारी को पूर्व में सौंपा ज्ञापन। केंद्र सरकार के कृषि मंडियों के लिए लाए गए नए अध्यादेश के खिलाफ और इस नए अध्यादेश के खिलाफ ज्ञापन दिया और जमकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, अपनी मांगों व नए अध्यादेश को वापस लाने का ज्ञापन सौंपा। पूर्व विधायक कैलाश कुंडल तुलावटी संघ के धरना आंदोलन स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने तुलावटी संघ का सपोर्ट करते हुए शिवराज सरकार व मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, भाजपा सरकार ने कभी गरीबों का साथ नहीं दिया है, हमेशा साहूकार के साथ खड़े होकर उन्हीं को फायदा पहुंचाया है। आज छोटे छोटे मजदूर इस एक्ट से प्रभावित होंगे जो अपनी रोजी रोटी से वंचित होंगे। इन मजदूरों की प्रदेश सरकार के द्वारा रोजी रोटी छीनी जा रही है। नहीं, व्यवस्थित चलाना चाहेंगे। अभी अभी आए, मेरे को मुश्किल से 1-1.5 घंटा हुआ ज्वाइन करे को। अभी हमार लोग और तुलावटी लोगों के आपसी यहाँ विवाद जो भी थे, उनकी जो भी मांग थी उन पर मैंने उनसे बात करी है। आगे व्यापारियों से भी बात करके सामंजस्य बिठा के इस मंडी को अतिशीघ्र चालू करने का प्रयास करूंगा। सर, पूर्व में यह मंडी एक जिले में अच्छे उसमें गिनी जाती थी, यहाँ से राजस्व भी अच्छा वसूल होता था। विगत 8 महीने से यहाँ सचिव नहीं होने के कारण कहीं ना कहीं व्यापार में भी समस्या का सामना करना पड़ा। अब जो भी स्थिति बन रही है वो मैं अभी देखता हूँ, अभी 1-1.5 घंटे ही हुआ आए को। मेरे को जो भी अच्छी स्थिति होगी वो करने की कोशिश करूंगा। ठीक। हम लोग आज उनके बीच में आए हैं, हमें उम्मीद थी कि 15-16 दिन हो गए सरकार
इन मजदूरों के बारे में, मालों के बारे में कोई विचार करेगी, कोई निर्णय करेगी। लेकिन जब लगा कि ये कोई निर्णय करने की स्थिति में नहीं, तो आज हम लोग उनके साथ यहाँ आकर खड़े हुए हैं और अपने अपने ओर से अपने सारे साथियों और पार्टी को से उनको समर्थन देते हुए उन्हें विश्वास दिलाने आए हैं कि हम लोग आपके लड़ाई को आगे तक लड़ेंगे और कोशिश करेंगे जहाँ से भोपाल से देवास से मदद मिलेगी आपको मदद कराने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ मंडी सेक्रेटरी जी भी आज ही ज्वाइन हुए हैं, उनसे भी चर्चा हुई, उनका भी कहना है कि वो एक दो दिन में समस्या का हल निकालने का प्रयास करेंगे। समस्या का हल निकल जाए बहुत अच्छा है, वरना इन हमालों मजदूर तलावटियों के साथ हम लोग भी खड़े होकर संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। मध्य प्रदेश सरकार का ये मंडी एक्ट लगाना कहाँ तक सही मायने में सही माना जा सकता है? नहीं, ये तो देखिए कुल मिला के मेरा ये छोटे छोटे लोग हैं। आज सबसे ज़्यादा जो संशोधन हुआ उससे तकलीफ किसको आई है? मजदूरों को, तलावटियों को आई है। इनको मदद करने के बजाय जो इनके पेट पे लात मारी जा रही है, ये सरकार की मंशा दिखाती है कि हम छोटे लोगों के साथ नहीं हैं, हमारी मंशा बड़े लोगों के साथ रहने की है, बड़े लोगों को मदद करने की है। और कांग्रेस की मंशा है कि किसानों के साथ, छोटे मजदूरों के साथ, इनके साथ खड़े होकर इनके लिए संघर्ष किया जाना चाहिए। धन्यवाद। खातेगांव को जिला बनाने को लेकर सभी संगठन हुए सक्रिय। बागली को जिला बनाने की घोषणा के विरोध में खातेगांव क्षेत्र शनिवार और रविवार पूर्णतः रहेगा बंद। खातेगांव संघर्ष समिति के तत्वाधान में समस्त संगठन संघ कर रहे हैं सहयोग। अपनी वर्षों पुरानी मांग को लेकर क्षेत्रवासियों ने पुनः एक बार जिला बनाओ आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। इसके तहत खातेगांव को जिला का दर्जा देने के लिए सभी संगठन ने खातेगांव को जिला बनाने को लेकर कार्य योजना तैयार कर ली है। क्षेत्रवासियों ने जिला क्यों बनाया जाए इसको लेकर अपने तर्क भी प्रस्तुत किए हैं। खातेगांव नगर इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे पर स्थित है, इसलिए हर बड़े शहर के लिए यहाँ से यात्री बस सेवाएं साधन उपलब्ध है। बड़े शहरों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी साधन उपलब्ध है। खातेगांव नगर और आसपास मिलकर 300 करोड़ एकड़ से ज्यादा शासकीय भूमि है। आवासीय कॉलोनी नगर में कई सारी आवासीय कॉलोनियां हैं। नगर के चारों ओर अलग अलग टाउनशिप विकसित हो रही है। नव निर्माणाधीन शासकीय अस्पताल भवन, 7 निजी अस्पताल, सोनोग्राफी, एक्स सेंटर आदि है। देवास जिले की दूरस्थ विकास खंड है और देवास जिले से खातेगांव के अन्यत्र जो विजल गांव है या हरण गांव जैसे स्कूलों की दूरी करीबन 150 किलोमीटर है। जब हम वहाँ जाते हैं तो हमारा दिन भर हमारा बर्बाद हो जाता है। मान लो एक घंटे का भी काम होता है तो दिन भर हमारा लग जाता है। तो निश्चित रूप से यदि खातेगांव जिला बनता है तो एजुकेशन के हिसाब से बहुत अच्छी बात है। हमारा दिन बर्बाद नहीं होगा, हम बहुत अच्छा यहाँ पर कार्य कर पाएंगे। और दूसरी साथ ही एक और बात है कि खातेगांव का जो रिजल्ट है, गत वर्षों से देवास पूरे जिले में खातेगांव विकासखंड का जो रिजल्ट है वो अव्वल रहा है। हमारे यहाँ के बच्चे लगातार कई वर्षों से स्टेट की मेरिट सूची में नंबर, मतलब नाम कमाते आए हैं, स्थान बनाते आए हैं। इसमें जैसे जिला यदि खातेगांव को बनाया जाता है, तो जो अभी शिक्षा का स्तर है इसमें और क्या आपको आगे चांसेस दिख रहे हैं? निश्चित रूप से खातेगांव से बहुत बड़ी पॉपुलेशन जुड़ी हुई है, तो जो बच्चे हैं वहाँ, यहाँ पर काफ़ी प्राइवेट स्कूल है, सरकारी स्कूल है, जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। और यदि यहाँ पर जिला मुख्यालय होगा तो निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में इसमें विकास होगा। लीड कॉलेज खातेगांव में हो जाएगा। स्कूल लेवल पर तो खातेगांव में बहुत अच्छी सुविधाएँ हैं ही। यहाँ पर जो 3 बड़े सरकारी स्कूल हैं इनकी स्ट्रेंथ करीबन 2500 है, जो जिला मुख्यालय पर भी इतनी नहीं होगी शायद। तो निश्चित रूप से खातेगांव यदि जिला बनता है तो शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा अवसर यहाँ पर प्राप्त होंगे, बच्चे ज्यादा से ज्यादा प्रगति कर पाएंगे। सर, जैसे आपने बताया कि शिक्षक को कोई मीटिंग या कोई शासकीय कार्य के लिए देवास जाना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई पे भी प्रभावित होना? निश्चित रूप से इसमें बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है, शिक्षक स्वयं भी परेशान होता है। यदि उसको वहां पर 11 बजे मीटिंग अटेंड करनी है तो उसको सुबह 6 बजे 7 बजे यहाँ पर निकलना पड़ता है और वापस लौटते लौटते उसको रात की 9-10 बज जाती है, 1 घंटे का। देखिए, जिस तरीके से प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने हाट पिपलिया की एक सभा के दौरान बागली को जिला बनाने की घोषणा की है, तो मेरा मानना है कि यह कुल मिलाकर एक राजनीतिक इंस्टेंट है, एक राजनीतिक दबाव में आके उन्होंने ये घोषणा की है। यदि धरातल पर देखें तो बागली में वो मौजूदा हालात है ही नहीं जिसको एक जिला बनाने के लिए अग्रसित किया जाए। आप बागली और खातेगांव की तुलना करें तो खातेगांव कई गुना ज्यादा बेहतर सिचुएशन में है जिला बनाने को लेके। बागली की जो मांग है जिला बनाने को लेके, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, वहां से जो नेता हुए हैं माननीय कैलाश जोशी जी,
उनकी वो कर्मभूमि रही है लगातार कई सालों तक, कई बरसों तक वो उन्होंने वहां से विधायकी की, बड़े बड़े पदों पर वो रहे वहां पर रह के, तो उनके नाम की आज जो है वो बागली उनके नाम को भुनाना चाहता है, जबकि वास्तविकता देखें तो वहां पे ऐसा कोई भी सिचुएशन कंडीशंस है ही नहीं कि उसको जिला बनाया जाए। जैसा आपने बोला कि मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुसार खातेगांव को उस नक्शे से हटाया गया है, तो ये भी हो सकता है कि आज ना तो कल बागली को एक हिस्सा बना के, चूंकि राजनीतिक दबाव आज बीजेपी की सरकार पे बहुत ज्यादा है, तो एक कन्नौज से लगा के बागली तक और सतवास को मिला के एक जिला बनाया जाए जिसको बागली मुख्यालय रहे। खातेगांव तहसील के नेमावर और हरणगांव से जब आप देवास जिले की दूरी निकालेंगे तो लगभग 150 किलोमीटर की इसकी दूरी है। अब यदि किसी काम के लिए यहाँ के व्यक्ति को जिले में जाना है तो पूरा का पूरा दिन टूटता है, वहां से साधन भी नहीं मिल पाते हैं, और छोटे छोटे कामों के लिए जिले तक जाना और पूरा दिन खराब करना जनता के लिए तो दुखदाई है ही सही, प्रशासनिक अमले के लिए भी आए दिन जब मीटिंग्स के लिए वहां जाना पड़ता है। तो खातेगांव कन्नौज और सतवास को मिला के एक नई नए जिले का गठन करते हैं, तो सतवास कन्नौज और खातेगांव की दूरी आपस में यदि ट्रेंगल में देखें तो 20 किलोमीटर एक तरफ भी 19 किलोमीटर और एक तरफ 26 किलोमीटर पड़ती है। तो ऐसे में वहां के लोगों को जिले में आने के लिए बहुत ज्यादा सहूलियतें रहेंगी, और खातेगांव में आज वो तमाम चीजें हैं जिससे खातेगांव को जिला बनाए जाने में कोई परेशानी, कोई कठिनाई सरकार को आना नहीं चाहिए। यदि खातेगांव शहर की बात करें तो लगभग 50,000 की पॉपुलेशन खातेगांव शहर की आकी जा सकती है। 2011 की जनसंख्या की जो गणना थी उसका आंकड़ा अलग है, और अब पिछले 10 सालों में यहां की जनसंख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है, चूंकि रोजगार के साधन है, व्यापार बहुत ज्यादा उन्नत है, इसलिए कई सारे लोग यहाँ पे बाहर से आके बसे हुए हैं। खातेगांव कन्नौज और सतवास जिस बेल्ट को मिलाकर जिला बनाने की मांग की जा रही है, यदि इनको सबको आकलित किया जाए तो करीब करीब 4.5 से 5 लाख की पॉपुलेशन यहाँ पे बन सकती है। नर्मदा का नाभि स्थल जो पूरे विश्व में विख्यात है वो खातेगांव तहसील के नेमावर में आता है। ये जो मंदिर नेमावर में निर्माणाधीन है, सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र पर त्रिकाल चौबीसी पंचबाल यति और शस्त्रकूट जिनालय यहाँ पे बन रहा है। लगभग 200 करोड़ की लागत से ये मंदिर निर्माणाधीन है, और विश्व पटल पर अपने आप में एक अलग ही स्थान रखेगा जब ये मंदिर का निर्माण पूर्ण हो जाएगा। अभी लगभग 70-75% निर्माण यहाँ पे हो चुका है, और जिस दिन भी ये बन के तैयार हो जाता है तो स्वाभाविक रूप से प्रदेश ही नहीं, भारत और भारत से बाहर के लोग भी यहाँ पे आके इस मंदिर को निहारने आएंगे, और जिससे पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलेगा।